परफेक्ट 368 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर आपका चल रहा है वास्तविक संख्याएं। और इस चैप्टर में वास्तविक संख्याओं के इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे प्रश्नावली फर्स्ट डी, और जिसमें आप सातवें क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। आज हम आपके लिए आठवां क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन आपका है दशमलव के कितने स्थानों बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए इसका सलूशन करने के लिए आपको दिया है 6/1250। अब 1250 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको आप लिखेंगे 6/2 × 1250 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, फिर 5 से यानी ये 5 × 4 होगा, 2 × 5 = 4, ये 1250 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, अब देखिए कितने स्थानों के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत होगा ये बताना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 की घात 4 है और 2 की घात केवल 1 ही है, तो इसके अंश और हर में हम 2 घातें 3 से गुणा कर देंगे। ये 2 और 5 की घात को समान बनाने के लिए 2 घातें 3 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो आएगा 6/8/2 घातें 4 × 5 घातें 4, यानी ये आपका हो गया 8/6 = 48/2 × 5 = 10, यानी 10 घातें कितना 4। ठीक, 10 घातें 4 मीन्स ये आपका हो गया 48/10000, जिसको हम लिखेंगे 0.0048। ठीक, यानी 4 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे तो 2 अंक आपका संख्या ही है, 2 शून्य और बढ़ाएंगे तो यह आप लिखेंगे अतः दशमलव के कितने स्थान बाद दशमलव प्रसार शांत होगा, अतः 4 स्थानों बाद दशमलव के 4 स्थान बाद प्रसार शांत होगा, ठीक, दशमलव के 4 स्थानों के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत हो रहा है। तो इसके बाद है 9वां क्वेश्चन, बिना भाग विधि के 15/4 तथा 15/4 × 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। तो देखिए इसका भी सलूशन आपका बहुत ही आसान है। 15/4 × 5/40, अब देखिए 4 मीन्स है 2 घातें 2 और 40 में आपका है 8 × 5 = 40, तो 2 घातें 3 गुड़े, यहाँ देखिए ये आपका है 5/2 × 2 ये है 5/2 × 5, अब देखिए यहाँ 2 की घात केवल 2 है, हर में अगर हम 5 से गुणा कर दें 5 घातें 2 से तो यह 10 के गुणज के रूप में इसका हो जाएगा गुणनखंड। और यहाँ भी 2 घातें 3 है, अगर 5 भी उपस्थित है 5 घातें 2 से अंश और हर में गुणा कर दें तो यहाँ पे भी आपका 10 के गुणज में हो जाएगा, तो दोनों में हम क्या करेंगे अंश तथा हर में 25 से गुणा कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 5/25/2 × 2 × 25 = 5/2 × 5 × 25/25, गुणा कर लीजिए 25×5 = 125, और यहाँ आपका आ गया 25×4 = 100, धन यहाँ 25×5 = 125 बटे, यहाँ देखिए 125×8 है तो 8, 25×4 = 100 और 10 यानी 1000 यहाँ आया। ठीक, अब लघुत्तम कितना हो जाए, हाँ अब दशमलव प्रसार इसका मान हो जाएगा 2 अंक पे 0.125, धन इसमें 0.125, दोनों को जोड़ लीजिए। अब यहाँ दशमलव के नीचे लिखेंगे जोड़ने के लिए, इस प्रकार से जोड़ेंगे 0.125 और 1.25, यहाँ आया 5, यहाँ 5×2 = 7, 2×1 = 3, 1 यानी ये आपका है 1.375, यही इसका दशमलव में मान होगा। आपसे यही पूछा जा रहा है बिना भाग विधि के इतने को दशमलव के रूप में व्यक्त करें, तो दशमलव के रूप में यही इतना इसका आंसर होगा। तो आपने 8वां और 9वां क्वेश्चन हल किया, इसके बाद चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन की तरफ।
इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं। दसवां क्वेश्चन आपका है कि परिमेय संख्या 257 बटे 5000 के हर को 2 घाते m गुणे 5 घाते n के रूप में लिखिए। इसके बाद की कह रहा है जहाँ यन तथा यन पूर्णांक हैं, इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के दशमलव प्रसार लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसके हर को 2 घाते m गुणे 5 घाते n के रूप में व्यक्त करना है। तो हम चलते हैं इसकी तरफ। आपको दिया है मान 257 बटे 5000 मान यही दिया है। अब 5000 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5000 आपका 2 से कट जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा कितना, 2 × 4 2 × 5 = 10, फिर 2 से कट जाएगा, 2 × 1 = 2 2 × 4 2 × 5 = 10, फिर 2 से कट जाएगा तो आएगा 2 × 6 = 12 2 × 4 2 × 5 = 10। अब यह 5 घाते 4 होगा, तो इसका मान क्या आया, 257 बटे 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 4, ये यम 2 घाते m गुणे 5 घाते n के रूप का हुआ, के प्रकार का हुआ। अब इसके बाद देखिए, इसके हर को ही लिखना है, हर को लिख दिया गया। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के दशमलव प्रसार लिखना है, तो यहाँ आप लिखेंगे दशमलव प्रसार के लिए आप क्या करेंगे, 257 बटे ये आपका है 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 4। अब 5 घाते 4 है, 2 घाते 3 है, 5 की घात पे 1 अधिक मान है 2 की घात से, इसलिए हम अंश और हर में इसके 2 से गुणा कर देंगे तो आएगा कितना, 7 × 2 = 14 5 × 2 = 10 और 2 × 4 और यहाँ 2 घाते 4 हो जाएगा, यानी 2 × 5 = 4। तो यह आपका हो गया 514 बटे 10 घाते 4। 10 घाते 4 = 10000 और ये हो जाएगा 0.0514। यही इसका दशमलव प्रसार होगा बिना विभाजन के। इसके बाद आपका है 11वां क्वेश्चन। इसके बाद आप जो है 11वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन है बहुत ही आसान। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। फिर दिया है कि प्रत्येक स्थित के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। सबसे पहले तो आपको 11वें में फर्स्ट में दिया है, 3 क्वेश्चन इसमें दिए हैं, 43.12345678 9। दूसरे में दिया है 0.12 0.01 2 0.01 2 0.0012 ... इस प्रकार से है। और तीसरे में दिया है 43.12345678 9 और इतने पर बार है, 1 से 9 तक की संख्या पर बार है। तो इसमें आपको निकालना है कि कौन सा, यह निर्धारित करना है कौन सा आपका पी बटे क्यू के रूप में है, अर्थात किसका कि कौन सी परिमेय संख्या है कौन सी नहीं है। तो देखिए, ये आपकी परिमेय संख्या है, पहला जो है ये इतना है,
इसको हम लिख सकते हैं बटे यहाँ एक दो तीन यानी दस घाते नौ, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यह परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार शांत है। बाकी दोनों में आप देखिए, ये तो अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, या आप तीनों लिख लेंगे। तो इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।